मारने की भी सलाहियत जो है इस हुकूमत के अंदर नहीं है. हम सबको इल्म है कि पीटीए वाज नॉट इवन इन द लूप जब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है दैट वाज पुट इन प्लेस. काबीना से जब इसकी अप्रूवल आई तो उनको बना बनाया जो है ये उनको हैंड ओवर कर दिया गया. तो ये बुनियादी तौर पर जो पिछले चंद सालों में हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के ट्विटर टार्जन्स थे उनकी तरफ से जो दाव खेला गया थी उसका हैंग ओवर है जिसको अब हुकूमत ने ज़्यादा मजबूर हुकूमत है मैसूर हुकूमत है तो उसको उसने इंडोर्स कर दिया. तो एक ये जहन में रखे है कि जब आप हुकूमत की तरफ पिच करेंगे कि जी आपने उसको चेंज करना है तो यू रियली आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री नंबर वन. तो जो भी तहरीक होगी फिर उसका आपको किबला दुरुस्त रखना पड़ेगा ताकि ये ना हो कि हम गलत सिम जाते रहें और फिर मसला कहीं और है और तहरीक हम कहीं और चला रहे हैं. एक तो ये. दूसरा ये कि मेरे ख्याल में हमारे यहाँ इतनी भी अभी अधेर नगरी नहीं पड़ी. एक इंटरनेशनल कोलिशन आपको डेवलप होती नज़र आती है ऑफ सोबर ओपिनियन सेइंग कि जी इस किस्म की रेगुलेशन जो है विच इज़ ड्रेकोनियन. रेगुलेशन के ऊपर तो बिल्कुल सही कहा आपने कि इंटरनेट को रेगुलेट करने का इशू नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट को स्ट्रेंगुलेट करने का इशू है. तो वी आर रियली आर अगेंस्ट स्ट्रेंगुलेशन रादर देन रेगुलेशन. तो एक आपको अभी हवाला दिया एशियन जो इंटरनेट कमेटी है उसकी स्टेटमेंट का, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट. जब आपने तीन इतनी बड़ी कंपनियां सेंट्रली एंड 13 उसके अलावा कंपनियां जो है मैंने से कि जी अच्छा आपने हमें शट डाउन करना है तो करने से पहले हम खुद ही पुल आउट कर जाते हैं. तो आपका जितना डिजिटल पाकिस्तान का विजन है, ई कॉमर्स का विजन है, और ये याद रखिएगा कि आपकी तकरीबन आधे से ज़्यादा जो कम्युनिकेशन है इस वक्त वो व्हाट्सएप के ज़रिए होती है. तो फिर तो अदालती फैसले भी जो है वो शायद उनको किसी और तरीके से उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाएगी. तो जितना जो डीप स्टेट का अपना सिस्टम है विच रिलाइज ऑन दिस सिस्टम इज गोइंग टू कोलैप्स अपार्ट फ्रॉम द अपेरेंट सिस्टम जिसके ऊपर हम बड़ा तकिया कर रहे हैं जी कि हमने आईटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा के लेके जाना है. ये 27% जो है ये इसके अंदर इजाफा हो गया. तो एक तो हुकूमत और रियासत का जो डिसइंसेंटिव है इस अपने ही एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के अगेंस्ट वो बहुत बड़ा है. सो वी आर नॉट रियली लोनली. ऐसा नहीं है कि हमारे पास हथियार नहीं है. तो ऑलरेडी एक ओपिनियन शेप हो रही है. टेक्निकली एक्सपर्ट्स बेहतर बता सकते हैं. हमारा अपना ख्याल ये है कि इस किस्म की रेगुलेशन विदाउट टेकिंग डाउन द कैरियर्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ये हो नहीं सकता. तो या तो आपको मुकम्मल तौर पर एक नॉर्थ कोरिया बनना पड़ेगा या चाइना की तरह आपको एक मुतबादल निज़ाम बनाना पड़ेगा या आप हर वक्त की फायर फाइटिंग के अंदर लगे रहेंगे और कितने लोगों को आप बंद करेंगे. 900,000 आपने वेबसाइट्स बंद की, फिर जब आप सप्रेशन करेंगे तो और वेबसाइट सामने आएंगे. तो इट रियली इज़ अ टेक्निकल इम्पॉसिबिलिटी. फिर चौथा जो मेरे ख्याल में ज़्यादा एक मुस्बत आपको नज़र आता है कि पहली मरतबा वाशिंगटन की तरफ से कुछ आवाज़ आपको इसके ऊपर सुनाई दी. इसका मतलब आधा मसला तो आपका हल हो गया. अब अगर सऊदी अरब की तरफ से भी आवाज़ आ जाए तो नहीं आएगी तो मेरे ख्याल में पूरा मसला हमारा हल हो सकता है. लेकिन फिलहाल कम से कम वाशिंगटन टेकिंग द स्टेप आउट ऑन दिस एंड एक्चुअली सेइंग दीज थिंग्स इज अ रियलिटी. जो सेमिनार के हवाले से मैं सिर्फ ये गुजारिश कर सकता हूँ जब आप सेमिनार करवाएं तो उसके अंदर जो पाकिस्तान के आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वाले हैं दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस टू प्लीड अगेंस्ट दिस. तो उनको आप साथ रखिएगा. जो बिजनेस कम्युनिटी उनको साथ रखिएगा. जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आप साथ रखिएगा. हुकूमत के अपने लोग जो हैं वो काफ़ी इसके अंदर परेशान हैं. गुजारा उनके हवाले कर दिया गया है, उनको पता ही नहीं है. तो वो अब वो भी मेरे ख्याल में आपको अंडर द टेबल आपको सपोर्ट करेंगे. और मैं कोई बहुत ज़्यादा मोतरफ नहीं हूँ तहरीक का क्योंकि उनकी जो उनका जो माजी है वो इतना ज़्यादा ताबिंदा नहीं रहा. तो लेकिन अगर आप चलाना चाहेंगे तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे. असल में हुकूमत को ये बावर कराने की ज़रूरत है कि ये बिल्कुल एसेट्स रिकवरी यूनिट जैसा एक उन्होंने अहमकाना इकदाम किया है कि इंटरनेट रेगुलेशन यूनिट उन्होंने बनाने की कोशिश की है जिसका ना कोई कानूनी जवाब है ना कोई अखलाकी जवाब है ना इंतजामी तौर पर इफेक्टिव है. अगर आप इनको ये बावर करवा दें और जो कुवतें इनसे काम करवा रही हैं उनको ये मुसलसल पैगाम मुदब्बर अंदाज में देते रहें कि जी ये आप जो काम कर रहे हैं इसकी ड्यूएबिलिटी के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. आई थिंक वी विल बी एबल टू मेक हेडवे.